सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई क्रिकेट फानी। सो गाइज, अगर आप आरसीबी फैन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, थंबनेल देखकर वैसे भी समझ गए कि यह किस टॉपिक पे वीडियो है। तो गाइज, आज बताएंगे आपको इस वीडियो में कि आरसीबी का ओपनर कौन हो सकता है आने वाले आईपीएल 2020 में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आरसीबी फैन का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जिस तरह से आरसीबी का ओपनर खराब प्रदर्शन कर रहा है, सिर्फ विराट कोहली ही शानदार ओपनिंग प्रदर्शन कर रहे हैं, और विराट कोहली के अलावा एबी डिविलियर्स को छोड़कर कोई भी आरसीबी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जिसके बावजूद आरसीबी हर मैच हारता रहा। तो इसी का ध्यान रखते हुए आरसीबी फैसला ले सकता है और ओपनर में जेसन रॉय को खरीद सकता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर फैला हुआ है कि आईपीएल स्क्वाड में जेसन रॉय है, यूट्यूब रहे चाहे सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म रहे, उसमें फैला हुआ है कि जेसन रॉय को आरसीबी खरीदेगा। तो गाइस, जी हाँ, आरसीबी जेसन रॉय को खरीद सकता है। अगर मूल बोली मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगा देता है जेसन रॉय पर, तो जाहिर सी बात है कि आरसीबी के हिस्सा बन सकते हैं जेसन रॉय। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिस्सा बनेंगे आरसीबी के जेसन रॉय। तो गाइस, सलामी बल्लेबाज के बात कर ले तो ओपनर के साझेदारी निभा सकते हैं जेसन रॉय और पार्थिव पटेल। ये दोनों आने वाले आईपीएल 2020 में ओपनर बन सकते हैं, आरसीबी के लिए अच्छा प्रदर्शन भी दिखा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये ओपनर साझेदारी अच्छा निभा पाएंगे आरसीबी के लिए? तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी करके बताइए। तो गाइस, आप जानते होंगे कि आरसीबी में सिर्फ विराट और एबी डिविलियर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन गाइस, अगर ये दोनों ओपनर चल जाते हैं शुरुआती मैचों में भी चाहे शुरुआती लम्हों में भी, तो जाहिर सी बात है कि आरसीबी हर मैच जीतेगा और जीतने की प्रयास भी करेगा, और डेफिनेटली आरसीबी ही जीतेगा। तो गाइस, आने वाले आईपीएल 2020 में आपको लगता है कि आरसीबी आईपीएल का ट्रॉफी जीतेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। We'll be right back.